नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जीआई किचन रेसिपी यूट्यूब चैनल और मैं घनश्याम जरूसिया आज आपके लिए बहुत ही शानदार केक रेसिपी लेकर हाजिर हुआ हूं। दोस्तों यदि आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस रेसिपी की। दोस्तों सबसे पहले हमने कढ़ाई ले ली और इसमें डाल दिया है नमक, क्योंकि हम ये केक आज कढ़ाई में बना कर बताएंगे आपको, क्योंकि ज़्यादातर लोग के पास माइक्रोवेव ओवन वगैरह नहीं होता है, तो आज आपको हम कढ़ाई में ही केक बनाकर बताएंगे। तो चलिए हमने इसमें नमक डाल दिया है और इसे हम ढक देते हैं और गैस को चालू कर देते हैं। बहुत ज़्यादा फ्लेम पे नहीं रहेगा ये, मीडियम फ्लेम पे इस चालू करके रख देंगे और जब तक हम तैयारी कर रहे हैं तो पकिए अच्छे से प्रीहीट हो जाएगा। हमने ले लिए एक बाउल और एक उसके ऊपर छन्नी रख लिया, इसमें डाल दिया हमने एक कप मैदा और साथ में हम इसमें डाल रहे हैं 2 चम्मच भर के कोको पाउडर। तो ये देखिए हमने 2 चम्मच कोको पाउडर डाल दिया है। और दोस्तों आप ध्यान रखें जो नाप तोल एकदम फिक्स रखें, तभी केक आपका बहुत अच्छा परफेक्ट बनेगा। आप इस तरीके से इसे छान लीजिए। इसे छानने से ये होगा कि कोको पाउडर और मैदा बहुत अच्छे से मिल जाएगा, ये देखिए। और अब हमने एक बाउल और लिया है, इसमें हम 1/2 कप मैदा डाल रहे हैं। हमने इसमें 1/2 कप मैदा डाल दिया और इसे भी हम अच्छे से छान कर रख लेंगे। ये देखिए हमने इसे छान लिया है। तो चलिए और अब हम इसमें डाल देते हैं 1/2 कप चीनी का पाउडर, जो चीनी को हमने पीस के रख ली थी। और इस छोटे वाले बाउल में भी हम इसमें लगभग 3 से 4 चम्मच डाल देते हैं चीनी। हमने चीनी डाल दी है इसमें 3 चम्मच और इसमें हमने 1 चम्मच भर के डाल दिया है कुकिंग ऑयल और इस बड़े वाले बाउल में हमने डाला है 2 चम्मच। चलिए दोस्तों तेल तो ये डल चुका है और अब हम इसमें डालते हैं ये एसेंस। दोस्तों ये छोटे वाले बाउल में हम ये पाइनएप्पल एसेंस डाल रहे हैं, इसमें 3 से 4 बूंद डाल रहे हैं। और इसमें हम ये डाल रहे हैं वनीला एसेंस, वनीला फ्लेवर के लिए हमने इसमें 4 से 6 बूंदें इसमें भी डाल दी है। और अब हम इसमें डाल रहे हैं ये दूध, ये लगभग 1 कप के करीब हमने थोड़ा सा बचा लिया है, अभी थोड़ा सा और डाल देता हूँ, आवश्यकता लगी तो हम और इसमें डाल देंगे। और अब हम क्या करेंगे कि इसे अच्छे से मिला लेंगे और इन्हें हमें तब तक मिलाना है इसमें किसी प्रकार के लम्स या गुठलियाँ नहीं रहना चाहिए, एकदम ये अच्छा सा घोल बन जाना चाहिए। तो आप इसे कंटिन्यू एक ही दिशा में चलाते रहें, इससे ये होगा कि इसमें एक भी लम्स आपको नहीं दिखेगा, पूरी तरह से ये एक सार हो जाएगा, ये घोल आपका बहुत अच्छे से बनकर तैयार हो जाएगा। जिस तरीके का हमें घोल चाहिए वो आपको अभी देखने को मिलेगा। तो ये देखिए ये बन चुका है घोल और अब हम आपको दिखाते हैं कि ये किस तरीके से, इसकी कंसिस्टेंसी कैसी होना चाहिए वो आपको इस तरीके से हम अभी बताएंगे। तो ये देखिए दोस्तों हमने इसे अच्छे से फेंट लिया है, हमने एक ही दिशा में इसको फेंटा है कंटिन्यू। तो अब ये देखेंगे कि किस तरीके से ये गिर रहा है, ये इतना पतला घोल होना चाहिए। और इसे हम रख देते हैं एक साइड में और ये छोटे वाले बाउल में हम डाल देते हैं दूध और इसे भी हम अच्छे से मिला लेंगे और इसे भी तब तक मिलाते रहेंगे जब तब तक कि इसमें किसी प्रकार की गुठलियाँ नहीं रहे। इसे भी आप इस तरह से कंटिन्यू चलाते रहें। दोस्तों आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप अपने घर में किस तरीके से केक बनाते हैं और यदि कोई नई रेसिपी हो तो आप ज़रूर हमें बताएं कि हमें और इसमें क्या सुधार करना चाहिए था, ये आप हमें ज़रूर बताइएगा। तो चलिए ये घोल भी बनकर तैयार हो चुका है, ये देखिए ये बिल्कुल एकदम बहुत बेहतरीन बन चुका है। अब बारी आती है कि जिस केक टिन में हम इसे मोल्ड में हम बनाएंगे उसमें हम अच्छे से ग्रीस कर लेते हैं। आप चाहे तो घी लगा दीजिए या इसमें या जो सिंपल कुकिंग ऑयल है उसे अच्छे से ग्रीस कर दिए इस तरीके से। और इसमें हम लगा रहे हैं बटर पेपर, और यदि आपके पास ये इस तरह से बटर पेपर नहीं है तो ऑयल लगाकर इसमें मैदे की डस्टिंग कर दीजिए, उससे भी केक आसानी से निकल आता है। लेकिन मेरे पास ये बटर पेपर रखा हुआ था
थोड़ा सा, तो मैं उसी का इस्तेमाल कर रहा हूँ। और तो इस तरीके से आप इसे तेल लगा दीजिए। तो चलिए अब हम इसमें डालते हैं, ये इनो है ये, और हमने इसमें थोड़ा सा इनो डाल दिया और इसे हम कर देंगे मिक्स इस तरीके से। और जैसे ही इसमें इनो डालें और इसे मिक्स कर दें, इसके बाद में आप इसे तुरंत मोल्ड में आपको डालना है, इस डिब्बे के अंदर जिसमें आप केक बेक करेंगे उसमें आप इस तरीके से इसे डाल दीजिए। और डालने के बाद आप इसे चारों तरफ आपको अच्छे से फैला देना है। तो चलिए और अब हम लेते हैं ये छोटा वाला बाउल, जिसमें भी हमने थोड़ा सा इनो डाल दिया है, ज़्यादा नहीं डाला है, और इसे भी हम मिक्स करके इसमें हम इसके ऊपर हम इसे डाल देंगे। वैसे हम पूरा थोड़ा भी नहीं बचाएंगे, इसको हम पूरा हम इसमें डाल देंगे। तो इस तरीके से हम इसे इसमें हमने ये डाल दिया है। और दोस्तों आप इसे स्पैचुला की सहायता से थोड़ा फैला दीजिए, ये देखिए इस तरीके से आप इसे फैला दीजिए, आप मन चाहे आकृति दे, वैसे ये अंदर रहेगा। और इसके ऊपर अब हमने जो थोड़ा सा और ये बचा के रखा था ये घोल, ये देखिए इस घोल को हम इसके ऊपर जो वाइट कलर का घोल है उसके ऊपर हम इसको डाल देंगे। वैसे मुझे थोड़ा सा और बचाना चाहिए था, ये थोड़ा सा कम हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, जब ये बेक होगा तो पूरा एकदम ढक जाएगा, ये फैलेगा भी। तो चलिए आप देखते हैं कि हमारी कढ़ाई एकदम अच्छे से गर्म हो चुकी है, नमक गर्म हो चुका है और बहुत अच्छे से टेम्परेचर सही हो आ गया है इसमें। और अब हम इसमें रख देते हैं एक ये रिंग, आप चाहे तो कटोरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये देखिए हमने इसे रख दिया है और अब इसे हम ढक देंगे। और दोस्तों इसे मीडियम और लो फ्लेम के बीच में सेट कीजिएगा, और लगभग इसे पकने में 20 मिनट लगा है दोस्तों। ये 20 मिनट के बाद में ये देखिए केक इस तरीके से बनकर तैयार हो चुका है। और अब हम इसे चेक करके देखते हैं, ये हमने चाकू को इसमें डाल के देखा है, अगर इसमें किसी प्रकार का वेटर लग के नहीं आ रहा, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा केक अच्छे से पक चुका है, अंदर कच्चा नहीं है। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, गैस को कर देते हैं बंद और इस मोल्ड को बाहर निकाल लेते हैं कढ़ाई से, क्योंकि अभी कढ़ाई बहुत गर्म है, और हम निकाल के इसे रख देते हैं। और दोस्तों इसे थोड़ी देर ठंडा होने देंगे, इसके बाद फिर इसको डीमोल्ड हम करेंगे। तो दोस्तों ये 10 मिनट हो चुका है, ये ठंडा हो गया है। और अब हम क्या करेंगे कि जो बटर पेपर लगा है, बटर पेपर के साइड से इस तरीके से थोड़ा चाकू से इसको हटाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बटर पेपर पर चिपका हुआ है। तो इस तरीके से आप निकाल लीजिए, वैसे ये बहुत ज़्यादा नहीं चिपका हुआ क्योंकि हमने इसमें ऑयल लगा दिया था। और आप इस तरीके से एक हमने ये बोर्ड के ऊपर रखा और इसे पलट दिया, तो देखिए दोस्तों ये शानदार केक बनकर तैयार हो चुका है। और अब हम इसके ऊपर का बटर पेपर निकाल देते हैं। दोस्तों यदि आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहें तो हमारी आईडी आपको स्क्रीन पर दिख रही है, आप हमें वहां पर ज़रूर फॉलो कीजिएगा, और वहां भी हम रील्स और अच्छी अच्छी फ़ोटो शेयर करते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों ये शानदार केक बनकर तैयार हो चुका है। और यदि आपको हमारा ये केक रेसिपी का वीडियो अगर पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों में, और यदि कोई सुझाव देना चाहे तो कमेंट कीजिएगा। दोस्तों आपको कमेंट करने, लाइक करने और चैनल को सब्सक्राइब करने में कोई पैसे नहीं लगते हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, जिससे हमारा हौसला बढ़ता रहे और इस तरह की शानदार रेसिपी हम आपके लिए लाते रहें।